हेलो चिल्ड्रन, आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मिसेस मधु अग्रवाल। और साइंस में आपको मैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो 1 और 2 चैप्टर का टेस्ट पेपर है, तो वो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट में ओरल क्वेश्चंस हैं, तो वो किस तरह से करने हैं आपको वो मैं समझाती हूँ। और ये हैं 4 मार्क्स के। विच प्लांट लिव फॉर मैनी ईयर्स, कौन से प्लांट्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा साल तक जीवित रहते हैं, तो इसमें आपको इसमें काट दो, इतना भी आवाज़ आ गई है। अच्छा, हेलो चिल्ड्रन, तो आपको मैं ओरल क्वेश्चन आंसर समझा रही थी मॉडल टेस्ट पेपर 1 में। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मॉडल टेस्ट पेपर है, तो क्वेश्चन है ये ओरल, तो इनके आंसर भी ओरल देने हैं और बहुत शॉर्ट आंसर है। विच प्लांट लिव फॉर मैनी ईयर्स, कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी साल तक जीवित रहते हैं, तो इसका आंसर है ट्री काफ़ी साल तक जीवित रहते हैं। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, फाइबर से किस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो आपको इसका आंसर देना है क्लॉथ्स एंड सैक। अब है क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम बिग एंड स्मॉल प्लांट्स, हमें कुछ बिग प्लांट्स के और कुछ स्मॉल प्लांट्स के नेम बताने हैं। तो बिग प्लांट्स में आप जैसे बोल सकते हैं नीम, पीपल और बेनियन, इसी तरह स्मॉल प्लांट्स में आप बोल सकते हैं रोज और हिबिस्कस ये, और जैस्मिन, तुलसी, ये सभी स्मॉल प्लांट्स हैं। नंबर 4, विच प्लांट गिव्स अस बोथ पेपर एंड वुड, ऐसा कौन सा प्लांट है जिससे हमें पेपर मींस कागज और वुड मींस लकड़ी दोनों ही मिलते हैं, तो इसका आंसर है बम्बू ट्री। क्या है? बम्बू ट्री मीन्स बांस का पेड़। चूज़ द राइट ऑप्शंस, हमें ऑप्शंस चुनने हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्रोवाइड अस ऑयल, कौन प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हमें ऑयल मिलता है, रूट्स, सीड्स, लीव्स, तो हमें टिक लगाना है सीड्स पर, बीजों पर। सीड्स मीन्स बीज, किसी भी चीज़ के उससे हमें ऑयल मिलता है, तो सीड्स पर हम टिक लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्री, इनमें से कौन सा ट्री है, मैंगो, रोज, ग्रेप वाइन, तो हमें टिक लगाना है मैंगो पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइंबर, इनमें से कौन सा क्लाइंबर है, पम्पकिन, बॉटल गार्ड, मनी प्लांट, तो हमें टिक लगाना है मनी प्लांट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिशनल ट्री, इनमें से कौन सा ट्री मेडिशनल है जिससे दवाई बनती हैं, जैसे नीम, एप्पल, रोज, तो हमें इसमें नीम पर टिक लगाना है। सर्किल द कैंसिल द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, इसमें 2 आंसर दिए हुए हैं, एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट वाले को हमें कैंसिल कर देना है। द पेपर बी यूज कम्स फ्रॉम द बम्बू काकिया ट्री, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें बम्बू करेक्ट है और काकिया ट्री इनकरेक्ट है, तो उसे हमें कैंसिल कर देना है। अब नंबर 2, हर्ब्स ट्रीज आर टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, हर्ब या ट्री कौन से बिग और टॉल होते हैं, तो हर्ब इनकरेक्ट है, हमें लिखना होगा ट्रीज आर टॉल बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। नंबर 3, नट्स गिव स्ट्रेंथ या वीकनेस टू अवर बॉडी, तो इसमें वीकनेस इनकरेक्ट है, उसे क्रॉस कर देना है और लिखना है नट्स गिव स्ट्रेंथ टू अवर बॉडी। नंबर 4, कैक्टस पाइन ट्री ग्रोज ऑन माउंटेंस, तो कैक्टस इनकरेक्ट है, उसे कट कर देना है और लिखना है पाइन ट्री ग्रोज ऑन द माउंटेंस। राइट यस और नो, तो हमें इन नीचे सेंटेंस के आंसर
सामने लिखने हैं यस और नो में। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये है यस। हर्ब्स हैव ए लॉन्ग लाइफ, हर्ब की लाइफ लॉन्ग होती है, तो ये है नो। वी बॉयल सीड्स एंड फ्रूट्स टू गेट द ऑयल, हम सीड्स मीन्स बीजों को और फ्रूट्स मीन्स फलों को बॉयल करते हैं तेल प्राप्त करने के लिए, तो नो, ये नो आएगा इसमें। फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, तो ये है यस। नेम द फॉलोइंग, नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं पिक्चर्स में, तो उनके हमें नेम लिखने हैं। जैसे नंबर वन पर है पोटैटो, नंबर टू पर स्पिनेच, नंबर थ्री पर क्लोव और नंबर फोर पर कैक्टस। इस तरह ये 20 मार्क्स का मॉडल टेस्ट पेपर है, तो इस तरह समझ के आपको करना है। और कल फिर आपको आगे बताया जाएगा, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। छवि से बात करना, छवि।